हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन के लाइव क्लास में। तो दोस्तों, हम लोग जो पढ़ाई कर रहे थे वो अपने इकोनॉमिक्स चैप्टर की पढ़ाई कर रहे थे, जो हमारे क्लास 10th के सोशल साइंस का पेपर है। और हम लोग इसके चैप्टर 3rd को पढ़ रहे हैं, जो हमारा चैप्टर है मुद्रा बचत एवं साख। इस चैप्टर को हम लोग जो है इस चैप्टर की हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग इसी चैप्टर को आज कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, ये हमारे लेक्चर पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, आज हम लोग पढ़ेंगे मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है। तो आज के टॉपिक को हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं, और मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है यहाँ से अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो आए आपको पता चल जाए। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को आज का स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा हमारा है मौद्रिक विनिमय प्रणाली, आखिर ये प्रणाली क्या है। तो मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है, तो दोस्तों मुद्रा के आविष्कार से मनुष्य के व्यापारिक जीवन में सुविधापूर्वक आदान प्रदान की स्थिति संभव हो गई। जैसे हम लोगों का मुद्रा का विकास हुआ, उससे जो है विभिन्न मनुष्य के व्यापारिक जीवन में सुविधापूर्वक आदान प्रदान की स्थिति संभव हो गई। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां क्या थी, कि मनुष्य के द्वारा ऐसी व्यवस्था आवश्यक वस्तुएं जो उन्हें बाजार से व्यवस्था में लाने के क्रम में अनेक कठिनाइयों का समाधान दे सके। तो मौद्रिक विनिमय प्रणाली यही हुआ कि हमें जो वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा जो कठिनाइयां हो रही थी उसको जो है मौद्रिक विनिमय प्रणाली में दूर की गई। उसके बाद मुद्रा का आविष्कार जो है मनुष्य के जीवन के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये सभी आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है मनुष्य के जीवन के लिए। तो ये हमारा मौद्रिक विनिमय प्रणाली हुआ। तो अगर आपसे पूछा कि मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है, तो आप लोग लिख सकते हैं हम लोग किसी वस्तुओं के बदले जो मुद्रा लेते हैं या मुद्रा का आदान प्रदान करते हैं वस्तु के बदले, इसी को हम लोग मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो मौद्रिक विनिमय प्रणाली आपसे 2 नंबर में पूछता है आपके एग्जाम में, तो आप लोग इसके आंसर को याद कर लेंगे मौद्रिक विनिमय प्रणाली हमारा क्या है। तो हम लोग इसके कार्य को पढ़ते हैं, मौद्रिक विनिमय प्रणाली के क्या सब कार्य है, मतलब मौद्रिक विनिमय प्रणाली के क्या कार्य है। तो मुद्रा के कार्य, तो मुद्रा के हम लोग बेसिकली क्या यूज करते हैं, तो मुद्रा का पहला काम है विनिमय का साधन, जो हम लोग सामान खरीदते हैं उसका परचेज करने में। उसके बाद दूसरा जो हमारा है वो आपका है मूल्य का मापक, मूल्य को मापने में, ये सब में मुद्रा का हम लोगों का कार्य होता है। तो मुद्रा के कार्य, तो आधुनिक समय में मुद्रा जो है बहुत सारे कार्यों को संपन्न करती है तथा इसके कार्यों में क्रमशः वृद्धि हो जाती है, इनके कर्मों में जो क्या होती है क्रमशः वृद्धि हो जाती है। उसके बाद साधारण मुद्रा के जो है 4 कार्यों को अधिकतर जो है प्रधान दिया गया है, अधिक महत्व दिया गया है मुद्रा के 4 कार्यों को। तो पहले हम लोग मुद्रा के इन 4 कार्यों को समझते हैं, मुद्रा के ये 4 कार्य कौन कौन से हैं। तो हम मुद्रा के कार्य को समझ लेते हैं। तो मुद्रा के जो है 4 कार्यों को अत्यधिक महत्व दिया गया है। पहला हमारा है विनियम का माध्यम, मतलब विनियम का माध्यम इसका पहला है। दूसरा हमारा मूल्य का मापक है। तीसरा हमारा जो है विलंबित भुगतान का मान, और चौथा हमारा है मूल्य का संचय। और इन 4 कार्यों को जो अत्यधिक प्रधान दिया गया है, क्योंकि ये सभी जो है हमारे वस्तु विनियम प्रणाली की कठिनाइयां थी, मतलब कि ये सब परेशानी हमको वस्तु विनियम में हो रही थी, उसी को जो है मुद्रा के आविष्कार के बाद मुद्रा का आविष्कार कर दूर किया गया। तो मुद्रा के इन 4 कार्यों को पढ़ा है अंग्रेजी में एक कविता के द्वारा सूचित किया है, जो कविता मैं आप लोगों को पढ़ देता हूँ, जो आपके बुक में भी दिया हुआ है। मनी इज ए मैटर फॉर फंक्शन फोर, ए मीडियम, ए मेजर, ए स्टैंडर्ड, ए स्टोर। मतलब दोस्तों इसका हो गया, मुद्रा के 4 कार्य महान है, जो हमारा है माध्यम, मापन, भुगतान और संचय। तो ये हमारा मुद्रा का मेन कार्य हो गया। तो हम लोग एक एक करके समझते हैं विनियम का माध्यम क्या होता है, मूल्य का मापक क्या होता है, उसके बाद विलंबित भुगतान का मान क्या होता है। तो हम लोग अब एक एक करके इसके समझते हैं जो हमारे वस्तु विनिमय प्रणाली की दोषे हैं। ये आप लोगों से जो है 5 में पूछता है कि मुद्रा के किन्हीं 4 कार्यों को लिखिए या मुद्रा के कार्यों को लिखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछता है। तो चलिए हम लोग आपको इसके आंसर के और बढ़ाते हैं। तो पहला हमारा है आप लोगों का क्या है, विनियम का माध्यम, मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज। विनियम का क्या माध्यम है, तो फिर से आप लोग समझिए, विनियम का माध्यम मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इसमें विनियम का माध्यम सामान्यतः क्या होता है हमारा, तो विनियम का माध्यम में होता है मुद्रा का, मुद्रा विनियम का एक माध्यम है, मतलब विनियम का माध्यम में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह हमारा है मुद्रा विनियम का एक माध्यम है।
तो क्या था दोस्तों, क्रय और विक्रय दोनों में ही मुद्रा मध्यस्थ का कार्य करते हैं, मतलब खरीदने और बेचने दोनों में जो है मुद्रा जो है पैसे जो है एक मध्यस्थ का कार्य करती है। उसके बाद मुद्रा के आविष्कार से आवश्यकता से दोहरे संयोग, जो हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली के प्रमुख दोष थे जो थे आवश्यकता से दोहरे संयोग का अभाव, इसमें कठिनाइयां उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो है आवश्यकता से दोहरे संयोग में हमें खोजना पड़ता था कि किस आदमी को उसकी जरूरत है, उसके बाद हमारा काम हो पाता था। तो मुद्रा के आविष्कार के बाद ये सभी जो है कठिनाइयां थी ये दूर हो गई थी। उसके बाद मुद्रा के द्वारा किसी भी समय विनिमय किया जाता है, मुद्रा के समय जो हम लोग किसी भी समय किसी भी चीज को खरीद सकते हैं बेच सकते हैं, इसके लिए हमें कोई भी रोक नहीं है। तो ये सब काम हम लोग मुद्रा के आविष्कार के बाद कर सके। तो एक दोष था जिसको जो था हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकता से दोहरे संयोग का अभाव, तो इसको हम लोग विनियम के माध्यम से दूर करते हैं और इससे जो है दोहरे संयोग का अभाव खत्म हो जाता है। अब दूसरा हमारा दोष था मूल का मापक, जो वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल का मापक के लिए कोई भी सामान नहीं थी, तो इसमें जो है उसको भी दूर किया गया मूल का मापक के द्वारा। किसके द्वारा? मूल के मापक, मेजर ऑफ वैल्यू। तो मूल का मापक हमारा क्या कहता है, तो इसके मुद्रा के आविष्कार के बाद जो है मुद्रा जो है मूल का मापक है, पैसा जो हमारा है ये एक मूल का मापक है, मुद्रा मूल का मापक है। आप लोग इसको अच्छे से समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों से बार बार एग्जाम में 5 नंबर पूछता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से याद रखेंगे और ध्यान से इसको सभी क्वेश्चन को याद करेंगे। तो मुद्रा मूल का मापक है। उसके बाद मुद्रा के द्वारा वस्तुओं का मूल्यांकन करना सरल हो चुका है, हम लोग इसको एक एक पॉइंट वाइज इसको आप लोगों को इसलिए बताते हैं ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए और आप लोगों को एक बार में याद हो जाए। तो मुद्रा मूल का मापक है, मुद्रा के द्वारा विभिन्न वस्तुओं का मूल्यांकन करना सरल हो चुका है। उसके बाद वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाइयां थी कि वस्तुओं को सही तरह से मूल्यांकन नहीं हो पाता था, किसमें? वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं का सही तौर पर मूल्यांकन नहीं हो पाता था। लेकिन जो है वस्तुओं का मूल्य मापने के लिए समय मापदंड भी मुद्रा ही है। अगर आपसे पूछेगा कि वस्तुओं के मूल्य मापने के लिए मापदंड क्या है, तो इसके लिए भी मुद्रा ही है। वस्तुओं का जो मूल्य मापा जाता है उसका मापदंड हमारा मुद्रा ही है। तो मूल का माध्यम भी आप लोग समझ गए, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोल दिए, मेजर ऑफ वैल्यू। थर्ड दोष था उसमें हम लोगों का विलंबित भुगतान का मान, विलंबित भुगतान का मान हमारा उसमें थर्ड था, जो हमारा था विलंबित भुगतान का मान, तो इसको हम लोग अब समझते हैं। तो इसके भी इसको भी मैं आप लोगों को पॉइंट वाइज ही समझा देता हूं। तो फर्स्ट पॉइंट इसका है, आधुनिक युग में बहुत से कार्य जो है उधार पर होता है। इस समय जो हमारा कार्य है वो अधिक जो है आधुनिक युग में बहुत सारे कार्य हमारे उधार पर होता है, जिसमें हम लोग उधार का लेन देन करते हैं और इसका भुगतान जो है हम लोग बाद में करते हैं, तो ये विलंबित भुगतान का था। तो मुद्रा जो है विलंबित भुगतान में एक सरल साधन है। मुद्रा जो है हमारा है विलंबित, जो हम लोग लेट से भुगतान करते हैं जिसको हम लोग लोन भी कहते हैं, ये एक सरल साधन है। तो क्या साख अथवा उधार आधुनिक व्यवसाय की रीढ़ है। साख मतलब लोन, किसी को हम लोग उधार जो देते हैं, यह आधुनिक व्यवसाय की रीढ़ है। और मुद्रा के आधार देने तथा लेने के कार्य काफी सरल बना दिया है। मुद्रा जो है इससे भी उधार लेने और देने का जो कार्य है वह काफी सरल बना दिया है। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था, अगर किसी को हम गाय उधार देते थे तो उसका वो दूध यूज करता था, उसका वो गोबर यूज करता था, तो जो उधार देता था उसको घाटा होता था और जो उधार लेता था उसको फायदा होता था। तो उसी को जो है विलंबित भुगतान में जो है इस मुद्रा के आविष्कार के बाद इसको दूर कर दिया गया। उसके बाद हमारा चौथा है मूल्य का संचय। चौथा हमारा क्या है, मूल्य का संचय मतलब स्टोर ऑफ वैल्यू। हम अपने पैसा को इसके थ्रू बचा सकते हैं, पैसे को जो है बचत कर सकते हैं मूल के संचय के द्वारा। तो हमारा मूल का संचय क्या है, तो मनुष्य भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखना चाहता है। मनुष्य क्या करता है, भविष्य के लिए कुछ बचा के रखना चाहता है, तो इसका जो कार्य करता है वो हमारा मुद्रा करता है। तो मनुष्य भविष्य के लिए कुछ बचा के रखना चाहता है, लेकिन वर्तमान आवश्यकता के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताएं भी मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है। इस कारण जरूरी है कि भविष्य के लिए भी कुछ बचा के रखा जाए। तो वर्तमान में जो आवश्यकता हमारे साथ है उसके साथ साथ जो है हम लोग भविष्य के भी आवश्यकता के लिए कुछ संरक्षण करते हैं। लेकिन पहले हमारे पास पैसा नहीं था तो हम लोग पैसा को संचय नहीं कर सकते थे, तो हम लोगों को भविष्य में दिक्कत होती थी और हम लोग उस टाइम जो उपजाते थे ना ही उसके बदले में कुछ मिलता था जिसको अधिक समय तक संचय किया जाए। जैसे हम लोग सब्जी उगाते थे तो अभी हम लोग सब्जी बेच के पैसे को एकत्रित करके अपने बैंक बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन उस समय ये पद्धति नहीं थी, तो मूल का संचय हम लोग नहीं कर पाते थे।
तो मुद्रा में यह गुण है कि इसे संचित या जमा करके रखा जा सकता है। किसको? मुद्रा को में यह गुण है इसे संचित या जमा करके रखा जा सकता है। उसके बाद वस्तु विनिमय प्रणाली में संचय करके कठिनाइयां होती है। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होती है? संचय करके कठिनाइयां होती है। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होती है? हमें संचय करने में कठिनाइयां होती है, क्योंकि हम लोग सब्जी उगाते हैं, ये सब चीजें खराब हो जाती है, तो मूल का संचय हम लोग उसमें नहीं कर पाते थे। अब हमारा फिफ्थ है क्रय विक्रय हस्तांतरण, मतलब खरीद बिक्री का काम। तो मुद्रा जो है एक काम जो आसान कर दिया हम लोगों का, वह कर्ज क्रय शक्ति का हस्तांतरण, क्रय विक्रय शक्ति का जो है वह हमारा हस्तांतरण को स्थान कर दिया। जो वस्तु क्रय विक्रय दूर दूर तक होने लगा, हम अपने सामान को अधिक से अधिक दूर तक बेचने लगे, तो इसमें हम लोगों का क्या हुआ? क्रय विक्रय जो है यह अत्यधिक होने लगा। और जो है हम लोग अपने, अगर हम लोगों को इस जगह से दूसरे जगह जाना रहता है तो हम लोग अपने इस जगह के सारी संपत्तियों को बेच के वहां से पैसा ले लेते हैं, फिर जाके हम लोग दूसरे जगह खरीद लेते हैं। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में अगर हमको जगह चेंज करना रहता था तो हम लोग सारे सामान को वहां छोड़ के हम लोग दूसरे जगह हम लोगों को जाना पड़ता था। तो ये हमारी वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां थी, उसी को हम लोग क्रय शक्ति के द्वारा निपटा दिए। उसका छठा हमारा है साख का आधार, मतलब बेस ऑफ क्रेडिट। क्या है? साख का आधार, बेस ऑफ क्रेडिट। तो हम समझते हैं बेस ऑफ क्रेडिट मतलब साख का आधार क्या है। तो वर्तमान समय में जो है मुद्रा साख का आधार है। क्या करती है? मुद्रा जो है हमारे साख के आधार का कार्य करती है आधुनिक समय में। मुद्रा के कारण ही साख पत्रों का प्रयोग बड़े पैमाने पर होता है, मतलब साख जिस पर हम लोग लोगों को क्रेडिट देते हैं, तो साख पत्रों का जो है हम लोगों का प्रयोग वर्तमान में मुद्रा के कारण ही हो पाता है। बिना मुद्रा के साख पत्र जैसे में हमारा हो गया चेक, ड्राफ्ट आदि का प्रचलन नहीं रह सकता था। तो मुद्रा के कारण जो हम लोग ये सभी काम नहीं कर सकते थे। जब आप जो है जैसे मैं चेक लेके जाते हैं, तो चेक जो है उदाहरण के लिए आप लोग एक चेक का प्रयोग तभी कर पाएंगे जब आपके अकाउंट में बैलेंस हो, और वो जो है व्यापारिक जो है आप लोग किसी को चेक देते हैं तो वो आपका तब कर पाता है जब आप उसको जो है बैलेंस देते हैं। तो ये सभी हम लोगों का एक साख का आधार था। तो ये हमारा है साख का आधार। तो इस तरह से हम लोग समझ लिए मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है। क्या समझे? मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है। आप इसके एक एक पॉइंट्स को नोट्स बना के लिख देंगे तो आपको पांच नंबर मिल जाएगा। मौद्रिक विनिमय प्रणाली मॉनेटरी सिस्टम क्या है, आपको पांच नंबर इसमें मिल जाएगा। तो आप लोगों को इसमें जो है अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, अगर नहीं दिक्कत है तो हम अपने क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। और हम लोग समझते हैं अब मुद्रा क्या है। अब हम लोग समझे मुद्रा का आविष्कार से क्या सब फायदे हुए, आप लोग समझते हैं मुद्रा क्या है। तो हम लोग अब इसकी तरफ बढ़ते हैं कि हमारा मुद्रा है क्या, आखिर ये मुद्रा है क्या। तो व्यवहारिक जीवन में आपको हर एक क्षण में हमें मुद्रा का प्रयोग नजर आता है। अगर आप किसी सामान को खरीदने जाएंगे तो भी आपको वहां पैसा देना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी चीज को हर एक क्षण अगर आप किसी भी चीज को मार्केट से प्लेस करने जाते हैं या खरीदते हैं या ऑनलाइन परचेज करते हैं तो आपको मुद्रा की आवश्यकता होती है। तो मुद्रा कहने से सामान्यतः सभी व्यक्ति ये समझने लगते हैं कि धातु अथवा कागज का बना हुआ वो जो हमारे दिनचर्या में आय का कारण बनता है। तो अभी हम लोगों का धातु या कागज से मुद्रा बनता है और यह वस्तु और सेवाओं को क्या करता है, आदान प्रदान में सुविधा उपलब्ध कराता है। कौन? मुद्रा। साधारण भाषा में, बोलचाल के भाषा में मुद्रा का अर्थ होता है धातु के बने सिक्के से समझा जाता है। तो हम लोग अब समझते हैं मुद्रा कितने तरह के होते हैं और मुद्रा का विकास किस तरह से हुआ, मुद्रा किस किस तरह से हमारे जीवन में आए, इसका विकास क्या है मुद्रा का, हम लोग अब इसको समझते हैं मुद्रा का विकास। यह भी आपके सिलेबस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग भी इसको एक ध्यान से फोकस देके पढ़ेंगे। मुद्रा का विकास हमारा क्या है, आखिर ये मुद्रा का विकास क्या है। तो मुद्रा का विकास जो है ये तीन तरीकों, ये टोटल जो है मुद्रा का विकास आप लोगों को छह तरीकों से हुआ। तो हम लोग एक एक तरह के पढ़ते हैं। तो पहला हमारा आया वस्तु विनिमय, जो आप लोगों को पढ़ाए वस्तु विनिमय, जिसमें हम लोग क्या करते थे, वस्तु से वस्तु का लेन देन करते थे। तो हम लोग मुद्रा का विकास समझ रहे हैं कि मुद्रा का विकास किस तरह से हुआ और किस तरह से हमारे जीवन में मुद्रा ने कदम रखा और हमारे जीवन की जिंदगी को आसान कर दिया। तो हम लोग एक एक करके इस टॉपिक को अब लोग समझते हैं। तो पहला हमारा है वस्तु विनिमय। पहले हम लोग वस्तु से ही वस्तु का आदान प्रदान करते थे, तो ये हो गया इसमें वस्तु से का वस्तु से लेन देन होता है वस्तु विनिमय में। सेकेंड हमारा है वस्तु मुद्रा। सेकेंड हमारा क्या है, वस्तु मुद्रा, जिसको हम लोग बोलते हैं कमोडिटी मनी। इसमें क्या होता है, इसमें होता है प्रारंभिक काल में किसी एक वस्तु को मुद्रा के कार्य संपन्न करने के लिए
चुन लिया गया। प्रारंभिक समय में जो है मुद्रा को किसी एक कार्य के संपन्न करने के लिए चुन लिया गया, जैसे शिकारी युग में खाल या चमड़ा, पशुपालन युग में पशु जैसे गाय या बकरी, या कृषि युग में अनाज कपास गेहूं आदि का मुद्रा कार्य में यूज होता था। तो मतलब इसको हम लोग क्या क्या बोल दिए, वस्तु मुद्रा। कैसे, शिकारी युग में जो हम लोग यूज कर रहे थे तो शिकारी युग में हम लोग खाल या चमड़ा का उपयोग कर रहे थे, पशुपालन युग में हम लोग जो है गाय या बकरी से लेन देन करते थे, कृषि युग में हम लोग अनाज का प्रयोग करते थे। तो इसी तरह से इन लोगों का यूज जो है वस्तु मुद्रा के टाइम में किया गया। उसके बाद हमारा आया धात्विक मुद्रा। उसके बाद हमारा क्या आया, इसके बाद थर्ड जो हमारा आया वो आया धात्विक मुद्रा, मतलब मेटेलिक मनी क्या है। उसके बाद हमारा आया धात्विक मुद्रा। तो धात्विक मुद्रा हम लोग मेटेलिक मनी किसको कहते हैं, तो धात्विक मुद्रा। दोस्तों वस्तु मुद्रा के बाद धातुओं का उपयोग मुद्रा के रूप में होने लगा। वस्तु के बाद क्या हुआ, वस्तु के बाद हमारा मुद्रा, वस्तु मुद्रा के बाद हम लोग धातु मुद्रा का उपयोग करने लगे, जो पीतल या तांबा का बना होता था। जो किसको किसका बना होता था, जो पीतल या तांबा का बना होता था, इसे ही हम लोग धात्विक मुद्रा भी कहते हैं। धात्विक मुद्रा जो है पीतल या तांबा का बना रहता था, इसको हम लोग क्या बोल दिए, धात्विक मुद्रा। इसमें भी अनेक तरह की कठिनाइयां आई, धात्विक मुद्रा में कठिनाइयां आई। तो उसके बाद हम लोग जो है सिक्के का आविष्कार हुआ। उसके बाद किसका आविष्कार हुआ, उसके बाद हमारा सिक्के का विकास हुआ, जिसको हम लोग क्वाइंस बोलते हैं। तो इसके बाद जो है धात्विक मुद्रा में भी बहुत सारे तरह की कठिनाइयां आने लगी, ये भारी होने लगी, इनके एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में दिक्कत होने लगी। तो इस सभी को दूर करने के लिए जो है सोने चांदी आदि से बना जो है वस्तु को हम लोग जो है एक हमारे देश की जो एक सर्वम जो चीन होती है उसके द्वारा सरकार के मुहर से ये चलित होता था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्का। तो सिक्के में भी कुछ कठिनाइयां आने लगी। तो उसके बाद पत्र मुद्रा, जिसको हम लोग पेपर मनी बोलते हैं, उसकी चालू हुई। उसके बाद जो हमारा क्या आया, उसके बाद आया हमारा पत्र मुद्रा, जिसको हम लोग पेपर मनी बोलते हैं। ये किसके बाद आया, धातु सिक्के के बाद। पहला हमारा आया वस्तु विनियम, इसमें कठिनाइयां आई। तो उसके बाद आया वस्तु मुद्रा, उसमें कठिनाइयां आई। तो उसके बाद आया हमारा धात्विक मुद्रा, उसके बाद कठिनाइयां आई, वो भारी होने लगा। तो उसके बाद हम लोगों का सिक्के का आविष्कार हुआ। उसके बाद सिक्के के बाद हम लोग पत्र मुद्रा का यूज करने लगे। तो हम लोग पत्र मुद्रा या पेपर मनी किसको कहते हैं, ये सब आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। तो पत्र मुद्रा पेपर मनी हम लोग किसको बोलते हैं। तो सिक्के मुद्रा में भी बहुत तरह के दोष थे, इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में बहुत सारी कठिनाइयां होती थी। तो इसके बाद जो है पत्र मुद्रा का चलन हुआ, मतलब इसके बाद जो है पत्र मुद्रा का आविष्कार हुआ। और वर्तमान समय में जो है बहुत सारे तरह के सभी देशों में पत्र मुद्रा का ही प्रचलन है। सिक्के का भी प्रचलन धीरे धीरे बंद होने लगा, क्योंकि इसको एक जगह से लेकर दूसरे जगह ले जाने में बड़ी कठिनाई होती थी, भारी होती थी और बहुत सारी चीजें का डर होता था। तो उसके बाद जो है सभी देशों में अभी पत्र मुद्रा का प्रचलन है। तो उसके उस दोष को दूर करने के लिए किसका यूज किया, उस दोष को दूर करने के लिए हम लोग पत्र मुद्रा का आविष्कार किए। वर्तमान समय में विश्व के प्रायः सभी देशों में किसका, पत्र मुद्रा का ही प्रचलन है। देश की सरकार तथा देश की केंद्रीय बैंक के द्वारा जो कागज का नोट चलाया जाता है उसी को हम लोग पत्र मुद्रा कहते हैं। तो आप लोगों से एग्जाम में पूछा पत्र मुद्रा किसको कहते हैं, तो आप लोग लिखेंगे देश की सरकार या देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा जो कागज का नोट चलाया जाता है उसी को हम लोग पत्र मुद्रा या पेपर मनी कहते हैं। अब आप लोगों को यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट्स करने की जरूरत है और जो आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग अब उसको जान ले। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है, भारत में एक रुपया का कागजी नोट या सिक्के केंद्र सरकार के वित्त विभाग के द्वारा चलाया जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों से बार बार पूछता है कि एक रुपया का कागजी नोट या सिक्के कौन जारी करता है। तो एक रुपया का कागजी नोट या सिक्के जो है केंद्र सरकार के वित्त विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा, केंद्र सरकार के वित्त विभाग के द्वारा एक रुपये का नोट जारी किया जाता है। उसके बाद दो रुपया या इससे अधिक के सभी कागजी नोट देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चलाए जाते हैं। मतलब दो रुपये या इससे अधिक के जितने भी कागजी नोट या सिक्के होते हैं ये सब देश का केंद्रीय बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चलाए जाते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो नोट जारी करता है वो हमारा है। इस तरह से अपने देश में केंद्र सरकार के द्वारा एक रुपये का नोट जारी किया जाता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है दो रुपये, पांच रुपये, दस रुपये, बीस रुपये, पचास रुपये, हंड्रेड, टू हंड्रेड, फाइव हंड्रेड और दो हजार के नोट
जारी करता है। तो पहले हमारा 200 रुपए का नोट जारी नहीं होता था, अब 200 रुपए का नोट जारी होने लगा। तो पहले हमारा 2000 का भी नोट जारी नहीं होता था, लेकिन अब 2000 का भी नोट जारी होता है। तो आपके बुक में जो लिखा हुआ है वो आपका है 100, 50, 1000, जो आप लोगों का अब जो है 1000 रुपए की नोट बंद हो चुकी है। तो अब जो है 1000 के बदला हम लोग 2000 का नोट जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। तो इस तरह से जो है हमें पैसे के लेन देन में और भी आसानी हो गई। अब छठा हमारा है साख मुद्रा। छठा हमारा क्या है? साख मुद्रा मतलब क्रेडिट मनी क्या है। तो साख मुद्रा जो है आर्थिक विकास के साथ साथ जो है साख मुद्रा के भी विभिन्न उपयोग होने लगे। आधुनिक युग में चेक हुंडी आदि जो है विभिन्न प्रकार के साख मुद्रा मतलब क्रेडिट का कार्य करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में अधिकांश रूप से साख मुद्रा का ही यूज होता है और देश के आंतरिक व्यापार में भी धातु या पत्र मुद्रा की अपेक्षा चेक या हुंडी आदि साख पत्रों का उपयोग होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे, प्लास्टिक मुद्रा या मुद्रा का आर्थिक महत्व क्या है। दो टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो हमारा है प्लास्टिक मुद्रा और मुद्रा का आर्थिक महत्व। आज के जो टाइम में जो है प्लास्टिक मुद्रा का यूज बहुत ज्यादा होने लगा है और प्लास्टिक मुद्रा हम लोग बहुत ज्यादा यूज करने लगे हैं। तो हम लोग प्लास्टिक मुद्रा और मुद्रा के आर्थिक महत्व को जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमारे जितने भी स्टूडेंट क्लास को किए हैं वो अपना अटेंडेंस बना दे और अपने नाम के साथ हमें मैसेज कर देंगे ताकि मैं आपको इसका पीडीएफ देख सकूं। तो हम लोग इसको जो है किसमें देखेंगे? नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर अभी तक आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप वहां से जुड़ सकते हैं हमारे ग्रुप के साथ। मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय, जो हमारा कल शाम में 8 बजे होगा।